Agenda Cassettes. मेहंदीपुर बालाजी हैं। ये दो पहाड़ियों के बीच बसा बहुत ही मनोरम दिखाई देता है। यात्रियों की चहल पहल, भारत की सभी संस्कृति सभ्यताओं के लोगों का दर्शनों के लिए आना धर्म के प्रति उनकी आस्था का सूचक है। ये मेहंदीपुर बालाजी का छोटा सा बाजार है, लेकिन है बड़ा मनोहारी, साक्षात स्वर्ग सा प्रतीत होता है। यात्रियों की चहल पहल बाजार की सुंदरता में चार चांद लगा देती है। दुकानदार सड़क पर फूल मालाओं की दुकानें सजा लेते हैं। भक्तगण पूजा और बालाजी के दर्शनों के लिए फूल मालाओं की खरीदारी करते दिखाई देते रहते हैं। बालाजी हनुमान को सिंदूर बड़ा प्यारा है, जिसे सीता मैया को देखकर सारे शरीर पर मल लिया था, जो स्त्रियों के सौभाग्य का पावन सूचक है। भक्त सिंदूर की भी खरीदारी करते हैं। जय श्री बालाजी लिखे हुए लाल झंडे हर दुकान की शोभा ही नहीं बढ़ाते, बल्कि भक्तों के हृदयों पर ज्ञान बनकर छा जाते हैं। मेहंदीपुर बालाजी का मुख्य मंदिर है। इसकी अनेकों गुंबजे हैं, जिन पर कबूतर सदा अठखेलियां करते रहते हैं।
इसी के दर्शनों के लिए यात्री दूर दूर से आते हैं। यहीं पर भूत प्रेत की छाया से ग्रसित रोगी बालाजी के आशीर्वाद से अपने इलाज के लिए आते हैं। ये मान्यता है कि जिस किसी पर भूत प्रेत पिशाच की छाया होती है, बालाजी उसे पीट पीट कर भगाते हैं, रोगी स्वस्थ हो जाता है। मेरी सुन लो मारुति नंदन, काटो मेरे दुख के बंधन। हे महावीर बजरंगी, तुम्हें कहते हैं दुख भंजन। मेरी सुन लो मारुति नंदन, काटो मेरे दुख के बंधन। हे महावीर बजरंगी, तुम कहते हैं दुख भंजन। मुझ पर भी करुणा करना, मैं आया शरण तुम्हारी। मैं जोड़े हाथ खड़ा हूँ, तेरे दर का बना भिखारी। तुम सबसे बड़े भंडारी, मैं पानी तुम हो चंदन। हे महावीर बजरंगी, तुम कहते हैं दुख भंजन। मेरी सुन लो मारुति नंदन, काटो मेरे दुख के बंधन। हे मंदिर का इतिहास भी बड़ा प्यारा है। यहाँ की तीनों देव हजार वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे। आरंभ में यहां घनघोर बियाबान जंगल था। घने जंगल होने के कारण यहां भयंकर जंगली जानवर रहते थे। महंत जी के अज्ञात पूर्वजों ने एक बार स्वप्न देखा और निद्रा से उठकर चल दिए। वे कहां जा रहे हैं इसका भी उन्हें ज्ञान नहीं था। स्वप्नावस्था में ही उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा कि सामने से हजारों मशालें जलती हुई आ रही हैं। उस फौज ने श्री बालाजी की तीन प्रदक्षिणाएं की तथा सेनापति ने दंडवत प्रणाम किया, फिर वापस लौट गए। उनकी नींद भाग गई, मन में अजीब सा भय लगने लगा। विचार करते करते उनकी आंखें लग गईं। उन्हें फिर स्वप्न दिखाई दिया, उन्हें तीन प्रतिमाएं दिखाई दी, फिर आकाशवाणी हुई, उठो मेरी सेवा भक्ति का भार उठाओ, मैं अपनी लीलाओं का प्रसार करूंगा। हनुमान जी ने उन्हें स्वयं दर्शन दिए। दूसरे दिन वो उन मूर्तियों के पास गए। चारों ओर से घंटों नगाड़ों की आवाजें आ रही थीं, किंतु आसपास कोई नहीं था। गोसाई जी महाराज ने साथियों को ये बात बताई तो उन्होंने मंदिर के निर्माण की यहां पर नींव रख दी। यहां भूत प्रेत बाधा, मानसिक वृत्ति, मिर्गी, बांझपन, टीबी या कोई भी रोग क्यों ना हो, दूर हो जाता है। मेहंदीपुर में आई मंदिर में अर्ज लगाने, मैं मेहंदीपुर में आई मंदिर में अर्ज लगाने। सासू से झूठ बोली, ससुरे से झूठ बोली, फैलाई आके झोली। अरे ओ भोली, तू जो
झूठ नहीं बोली, भक्ति में तू डोली। बालाजी है संकट मोचन, सारी दुनिया माने। मैं मेहंदीपुर में आई मंदिर में अर्ज लगाने, मैं मेहंदीपुर में आई मंदिर में अर्ज लगाने। सब पीरा श्री हनुमान गोसाई, हो नाश रोग हरे सब पीड़ा श्री हनुमान गोसाई। जब भी उनको जिसने पुकारा, बिगड़े बात बनाए। सबसे पहले महातपस्विनी माता अंजनी देवी का नया बना हुआ मंदिर है। पहाड़ के दृश्य बड़े शोभनीय हैं। मंदिर के दरवाजे पर दो शेर स्थित हैं। पौड़ियां चढ़कर यात्री ऊपर मां अंजनी के दर्शनों को आते हैं। मंदिर में माता अंजनी बाल हनुमान जी को गोद में लिए हुए का बड़ा ही सुंदर आकर्षक विग्रह स्वरूप है। माँ का प्यार, दुलार, दर्शन मन की भक्ति भावना को पावन कर देता है। मंदिर के एक ओर सात पहाड़ हैं। पीछे की ओर से पौड़ियां चढ़कर श्रद्धालु उनके दर्शनों को जाते हैं। बाजार से होता हुआ भी एक दूसरा रास्ता और है। पहाड़ पर ऊपर जाकर शेषनाग महाराज के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता है। शेषनाग भगवान विष्णु जी की शैया भी माने जाते हैं और शंकर जी के गले का आभूषण भी माना जाता है। दोनों का रूप अस्तित्व एक ही है, काल स्वरूप। शेषनाग के एक ओर हनुमान जी तथा दूसरी ओर गणेश जी विराजमान हैं। भक्तगण इन्हें नमन करते हैं, इनके सिंदूर का तिलक अपने मस्तक पर लगाते हैं, जो संकट हरने का सूचक है। यहां पर जगह जगह मृत पूर्वजों के छोटे छोटे थान बने हुए दिखाई देते हैं। सीरीज केवल चंदा कैसेट्स पर उपलब्ध। मुख्य मंदिर के सामने तीन पहाड़ियां हैं। बाजार से ही तंग रास्ते से होते हुए ऊपर चढ़ाई चढ़ते हैं। तेरे धाम आया बजरंगी हे बा
सबका दुख टाला, सबके काम आया, मैं चल तेरे धाम आया, तेरे धाम आया, मैं चल तेरे धाम आया। साला सरधाम निराला है, साला सरधाम निराला है, यहाँ बसते अंज निराला है, यहाँ बिगड़ी बनती लाखों की, तूने सबका संकट टाला है। चरणों में मैं तेरे बजरंगी बाबा मेरे, नंगे पांव आया ये चल तेरे धाम आया, नंगे पांव आया ये चल तेरे धाम आया। यात्री फिर पौड़ियां चढ़ते हैं और थोड़ा ऊपर काली मां का मंदिर आता है जो प्राचीन है। यहीं पर एक मानसिक रोगी को आशीर्वाद देकर इलाज करते पाया जाता है। मान्यता है मेहंदीपुर बालाजी के कण कण में भूत प्रेत ऊपरी हवा को भगाने की शक्ति और हनुमान जी का आशीर्वाद है। यही आस्था श्रद्धा और विश्वास दूर दूर से रोगियों को यहां खींच कर लाती हैं। आधुनिक युग आशीर्वाद के सिद्धांत को माने या न माने, लेकिन यहां की मान्यता में कोई कमी नहीं आई। फिर पौड़ियां चढ़कर अंजनी माता के मंदिर के दर्शन होते हैं। यह मंदिर भी प्राचीन है। मंदिर की खूबसूरती दर्शनीय है। माता अंजनी के मंदिर में औरतें पूजा करती रहती हैं। पति पत्नी यहां आकर औलाद की मन्नतें मांगकर अपनी हाजिरी दर्ज करते हैं। यदि किसी ऊपरी हवा के कारण गर्भ धारण नहीं हो पाता तो ऐसी औरतों को यहां पर सर हिलाते हुए खेलता हुआ देखा जा सकता है। विग्रह स्वरूप में माता अंजनी की गोद में बाल हनुमान जी के दर्शन हैं। यह अंजनी माता का दूसरा प्राचीन मंदिर है। यहां पर भी पुजारी मानसिक रोगियों का इलाज भजन कीर्तन कराते हुए देखा जाता है। ऊपरी हवा वाला रोगी अनैच्छिक क्रियाओं में खेलने लगता है, जैसे सर हिलाना। साथ आने वाले परिवार के सदस्य हथेलियां बजाते रहते हैं। यहीं पर पंचमुखी हनुमान जी का बड़ा ही मनोहारी विग्रह स्वरूप है। इस विग्रह में पांचों मुख हनुमान जी के हैं। अब यात्री तीसरे पहाड़ पर तीन पहाड़ शक्ति स्थल पर आते हैं। यहां पर कोतवाल और प्रेतराज का शिला रूप में स्वरूप है।
मान्यता है। जिनके रोग ठीक हो जाते हैं उन्हें यहाँ के दर्शन अनिवार्य हैं, क्योंकि इन्हीं की कृपा से ही तो बालाजी हनुमान भूत प्रेतों ऊपरी हवा को मार मार कर भगाते हैं। प्रेतों के देवता प्रेतराज के दर्शन आश्चर्यचकित करने वाले हैं। यहीं पर चौमुखा भैरव बाबा के दर्शन हैं। महाकाल भैरव भी है। भैरव बाबा शमशान वासी माने जाते हैं। तांत्रिक इन्हीं की पूजा करके विशेष सिद्धियां प्राप्त करते हैं और लोगों का भला करते हैं। इन्हें कालों के काल महाकाल माना गया है। यहां पर पुजारी हवन कुंड में मंत्रों से रोगियों को आशीर्वाद देते हुए दिखाई देते हैं। मोर के पंखों से झाड़ा लगाते हैं। मस्तक पर तिलक लगाकर पुनः कष्ट ना आए का आशीर्वाद देते हैं। यहीं पर शिव के अवतार गुरु गोरखनाथ का विग्रह रूप और धूना है। इसकी भभूति सर्व कष्टहारी मानी जाती है। बराबर में योग माया के अनेक विग्रह रूप दिखाई देते हैं। योग माया भी सर्व क्लेशहारी हैं। इनका आशीर्वाद और दर्शन भी अनिवार्य है। यहां पर एक सरसों के तेल की ज्योत सदा जलती रहती है। यहां के दृश्य और पूजा बड़ी विस्मयकारी सी लगती है। कैसेट्स और सीडीज सिर्फ चंदा कैसेट्स पर। ओके घटी जागा बालाजी तेरा, के घटी जागा बालाजी तेरा, बिगड़ा काम बना दे तू मेरा, बिगड़ा काम बना दे तू मेरा। ओके घटी जागा बालाजी तेरा, बनाए बिगड़े काम श्री राम के बनाए, लाए संजीवन लखन पिलाए, लाए संजीवन लखन पिलाए, बंदा सेवक का सिर पयो सेहरा, बंदा सेवक का सिर पयो सेहरा। ओके घटी जागा बालाजी तेरा, के घटी जागा बालाजी तेरा, बिगड़ा काम बालापन के ये खेल निराले हैं, बालापन के खेल निराले, ओ बालापन के ये खेल निराले हैं, बालापन के खेल निराले, सूर्य है पकड़ा मुँह में डाले, सूर्य है पकड़ा मुँह में डाले,
चारों तरफ ने छा गया अंधेरा, चारों तरफ ने ओ के घट जागा बालाजी तेरा, के घट जागा बालाजी तेरा। चाहे जो हो, पूजा का यहाँ पर एक अनोखा अद्भुत रूप देखने को मिलता है। यहाँ के दर्शनों के पश्चात वापस नीचे मुख्य मंदिर पर आया जाता है। मंदिर के पार्श्व में प्रेतराज के साक्षात दर्शन होते हैं। इनके दर्शनों के पश्चात मंदिर के पीछे ऊपर चढ़ाई पर रोगियों का अद्भुत इलाज चलता रहता है। यहां पर एक छोटा सा जल कुंड है, जिस पर स्त्री पुरुष साथ बैठकर अजीब सी क्रियाओं से अपना इलाज स्वयं करते रहते हैं। गर्दन हिलाना, मंत्रों का जपना, जल में स्नान करना बड़ी प्रगाढ़ मान्यता है। इस जलकुंड में स्नान करने से रोगी के सारे रोग दूर हो जाते हैं। तभी तो यहां पर रोगियों का तांता सदा लगा रहता है। बालाजी की विशेष कृपा इन पर होती है। जो रोगी ठीक हो जाते हैं वे सवा मनी लड्डुओं का प्रसाद यहां पर चढ़ाते हैं। बताया जाता है रोज प्रतिदिन 20,000 बच्चों को ये महाप्रसाद वितरित किया जाता है। यहाँ के दर्शनों के पश्चात पंचमुखी हनुमान जी गुफा वाले के दर्शनों को चलते हैं, जो मुख्य मंदिर से 3 किलोमीटर दूर पहाड़ियों में स्थित हैं। राजस्थानी रेत और पहाड़ों का रास्ता एक नया अनुभव प्रदान करता है। दूर से देखने पर बड़ा मनोरम दिखाई देता है। मुख्य द्वार के सामने दरबार है। दो पहाड़ों के बीच गुफा के दर्शन होते हैं। दोनों पहाड़ ऊपर से हटे हुए हैं। नीचे पंचमुखी हनुमान जी विराजमान हैं। इसका इतिहास है, यहां पर पहले एक गांव था। किसी ने इस पर खून के छींटे मार दिए तो बस्ती उजड़ गई। गुफा में ऊपर की ओर पौड़ियां चढ़कर दर्शनों के लिए जाया जाता है। यहां पुजारी पूजा करते हैं। यहां के दर्शनों से एक विशेष आश्चर्य होता है। ऊपर पहाड़ की चोटी पर नरसिंह भगवान का प्रारूप है। शेर का मुख स्पष्ट दिखाई देता है, जिस पर लाल सिंदूर लगाया गया है। बराबर में छोटा सा शिव परिवार का मंदिर है। आगरा जयपुर हाईवे से 3 किलोमीटर दूर पर मेहंदीपुर बालाजी का दरबार है। दिल्ली व देश के अन्य भागों से यात्री बसों द्वारा या अपने वाहनों द्वारा सदा आते जाते रहते हैं। छिपाए तू यशोदा मैया, कहाँ छिपाए तू यशोदा मैया, नटखट अपना लाल कन्हैया, न दिखती है उसकी गैया, न दिखती है उसकी गैया, न दिखता। कैसेट्स व सीडीज केवल चंदा कैसेट्स पर उपलब्ध। इन सब के दर्शनों के बाद साय की आरती का समय आ जाता है। वैसे तो आरती सुबह शाम दोनों समय होती है। सभी भक्तगण आरती में भाग लेते हैं। आरती के समय भी रोगियों को यहाँ पर झूमते हुए खेलते हुए देखा जा सकता है। रघुनाथ कला की
बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झांपे। अंजन पुत्र महाबल गाए, संतन के प्रभु सदा सहाय। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, पानि संजीवन प्राण बारे। Swami